फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है मुस्लिम मौलाना लेफ्ट इस्लाम अडॉप्ट हिंदुइज्म 4000 मुस्लिम बिकम हिंदू टुगेदर। फिर 4000 लोग जो हैं वो मुस्लिम से हिंदू बन चुके हैं एक साथ। तो ऐसा क्या हुआ वो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं वीडियो को यहीं पर स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करना मत भूलना। सो हियर वी गो। हिंदुस्तान में जितने लोग पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुए, सब सनातनी लोग पैदा होते हैं। हमारे पूर्वज भी जो हैं पहले वो हिंदू ही थे। श्री राम हमारे पूर्वज थे। और उत्तर पूर्व में अब तक की सबसे बड़ी घर वापसी। देश में आजकल घर वापसी का दौर चल रहा है। जिधर देखो उधर या खबरें आती रहती हैं कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक जहाँ देश में लव जिहाद देखने को मिल रहा था, जो कि अब भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये घटनाएं कहीं ना कहीं छिपी रहती थी, जिनमें किसी मुस्लिम का हिंदू धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता हो। और भारत जैसे देश में किसी मुस्लिम का हिंदू धर्म में आना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के मुस्लिम अपने इतिहास को ही नहीं अपनाना चाहते। वो नहीं मानना चाहते कि हाँ वो कभी हिंदू रहे होंगे। इससे अच्छा विदेश में है, जहाँ पर तमाम मुस्लिम अलग अलग देशों में घर वापसी कर रहे हैं। भारत में यह सिलसिला देर से ही सही, लेकिन चल जरूर पड़ा है। भारत में भी अब मुस्लिमों को अपने असली इतिहास का ज्ञान होने लगा है और अपने पूर्वजों की भी गलती पर वो अफसोस कर रहे हैं। इस कारण वह फिर से सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म का रास्ता सबके लिए खुला पड़ा है। चाहे तो आप हिंदू धर्म अपनाएं या ना अपनाएं, आप फिर भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म आपको क्वेश्चन करने, अपने धर्म पर बेबाकी से राय रखने और चाहे तो धर्म ग्रंथों, यहाँ तक कि हमारे जो भगवान हैं, उन पर भी डिबेट करने तक की अनुमति देता है। वहीं दूसरी तरफ एक धर्म ऐसा है जिस पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। शायद यही सब कारण है कि दुनिया भर से मुस्लिमों का अपने धर्म के प्रति मोह भंग हो रहा है और वह सनातन हिंदू धर्म को अपनाने लग रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने एक वीडियो बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि आखिर पिछले महीने कितने लोगों ने घर वापसी की। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से आपको बताने वाले हैं कि पिछले महीने आखिर कितने मुस्लिमों ने और ईसाइयों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इतना प्यारा बोलते हैं दोस्तों, पूरे देश में घर वापसी से संबंधित पिछले महीने करीब 25 घटनाएं प्रकाश में आईं, जिनमें से हम आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो सुर्खियों में रहीं, जिनमें से चार प्रमुख हैं। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, और वो खबर है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां पर 35 मुस्लिम परिवारों ने मुंडन करवा कर हिंदू धर्म अपना लिया। वीडियो में दिख रहे ये शख्स हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम हुआ करते थे और इन्होंने स्वेच्छा से घर वापसी कर ली। आप देख सकते हैं कि इन लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। बाकायदा माथे पर तिलक लगाए, सनातनी वस्त्रों में निर्भय होकर ये लोग कह रहे हैं कि वह हिंदू धर्म अपना चुके हैं, वह अपनी घर वापसी कर चुके हैं। दोस्तों, घर वापसी करने वाले इन लोगों में से एक व्यक्ति ने बताया कि उनके पूर्वजों ने परिस्थिति वश इस्लाम स्वीकार कर लिया था। मेरा नाम पहले था पूर्व में जो मोहम्मद शाह, उसके बाद में मैं राम सिंह बन चुका, तो उसके कारण से मेरे परिवार में आकर मैं बोला कि क्यों भटक रहे, जो पहले अपने बाप दादा थे ऐसे बन जाओ। और हम हिंदू ही थे सर, तो घर वापसी किए हैं हम। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि हम अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ गए हैं। दरअसल ये मामला खाते गांव तहसील के जामनेर ग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र का है, जहां 31 जुलाई को 35 मुस्लिम परिवारों ने दोबारा
हिंदू धर्म में वापसी की। इन 35 मुस्लिम परिवारों में कुल 190 सदस्य हैं और सभी के सभी 190 सदस्यों ने पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी। संतों ने घर वापसी करने वालों का सबसे पहले मंत्रोच्चारण करके शुद्धिकरण करवाया, इसके बाद नर्मदा नदी में स्नान करवाया, फिर जनेऊ संस्कार किया और बाद में आहुति देकर इनका नामकरण भी किया। 35 परिवारों ने यह वचन भी लिया कि अब वह हमेशा सनातन धर्म की सेवा करेंगे और इसके नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ही तमाम ऐसी खबरें आईं जहां पर ईसाइयों ने भी हिंदू धर्म में घर वापसी की। अब आते हैं दूसरे नंबर पर और वह खबर है वृंदावन से। जी हाँ, एक तरफ जहां एक वर्ग धर्म के नाम पर लड़ रहा है, दूसरों पर पत्थरबाजी कर रहा है, वहीं ऐसे में मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आप थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। कहा जाता है कि ब्रज क्षेत्र के रजरज में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। जो कोई भी एक बार इस धरती पर जाता है भगवान श्री कृष्ण का होकर रह जाता है। कुछ इसी तरह श्री कृष्ण प्रेम में डूब चुकी हैं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शबनम। वीडियो में दिख रही इस महिला का नाम शबनम, जिनका श्री कृष्ण से इस कदर प्रेम हो गया कि अब वह शबनम से मेरा बन चुकी हैं। अब वह हर रोज मंदिर जाती हैं, कृष्ण के भजन गाती हैं। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के मुताबिक ही वह भगवान श्री कृष्ण की हर रोज पूजा करती हैं, कान्हा के नाम की माला जपती हैं। शबनम पहले मुस्लिम हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन में रहने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुकी हैं। उनका कहना है कि अब उनकी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के हवाले है। जानकारी के अनुसार शबनम मुरादाबाद की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि शबनम से मेरा बन चुकी यह मुस्लिम महिला पूरी तरह से सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो चुकी है। इनका कहना है कि सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है, जहां महिलाओं को बार बार तलाक नहीं दिया जाता। जहां एक बार जिस घर से महिला की डोली उठकर पति के घर जाती है, वहीं से उसकी अर्थी उठती है। शबनम का कहना है कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है और दोनों धर्म अलग अलग मान्यताओं वाले, इसलिए मुझे सनातन धर्म अधिक पसंद है और अब मैं आजीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती रहूंगी। खैर, मेरा बन चुकी शबनम बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही हैं और इसको देखकर कई मुस्लिम गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। वीडियो में दिख रहा यह शख्स जो आपको मौलाना की तरह दिख रहा है, अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, जो शख्स आपको सफेद गमछे में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यह सिवान के बिहार से है। कहा जाता है कि मुस्लिम लड़की के प्यार में उसके बोलने पर हिंदू से यह मुस्लिम बन गया था, मदरसों में रहने लगा था। लेकिन उपदेश राणा जी कहते हैं कि जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी करने को कहा। उपदेश राणा कहते हैं कि सिवान के बजरंग दल के साथियों का भी इसमें काफी रोल रहा है और हम 11 सालों से ऐसे कार्य कर रहे हैं और हमने इनकी सनातन धर्म में घर वापसी कराई। चौथे नंबर पर आते हैं, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम आदिल पठान था, वह अब आदित्य आर्य बन चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया और सावन के सोमवार के दिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके आदिल पठान आदित्य आर्य बन गया। आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुके युवक ने बताया कि वह काफी लंबे समय से सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी जीव की हत्या करना पाप लगता है और यह सिर्फ सनातन धर्म ही सिखाता है कि सभी जीवों पर दया करो। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके कारण इस्लाम धर्म में रहा जा सके, इसलिए वह हिंदू सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। आदित्य का कहना है कि वह जब 5 से 7 साल के थे, तभी से उनका हिंदू धर्म में लगाव हो गया था और आज उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को वापस से अपना लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से भी घर वापसी की खबरें देखने को मिली। लेकिन ये खबरें ऐसी थी जो अधिक सुर्खियों में थी, जिन्हें आपके साथ शेयर करना आवश्यक था। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका आज किस वीडियो के बारे में, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाओ यार, इतने 4,000 लोग एक साथ, मतलब सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, घर वापसी जिसको कहते हैं वो की है, जो कि एक भारत में तो ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है और मतलब एक खुशी की लहर है। एक
पहले सुनने में आता था कि एक गांव है, वो पूरा का पूरा गांव ही जो है वो बन जाता था, मुस्लिम हो गए थे। अब वो रिपीट हो रहा है। वो मैंने सुना है ना, कर्मा कर्मा, जैसा करना वैसा भरना। तो वही चीज आज देखने को मिल गई है कि कर्मा जो है वाकई में रियल होता है। पहले जैसा हुआ था वो अब रिपीट हो रहा है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, घर वापसी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो सनातनी नहीं थे शुरू से वो लोग भी सनातनी बन रहे हैं। और मतलब आज यकीन नहीं हो रहा था देखकर वीडियो कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो वीडियो देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी भी हुई है कि यार हाउ इट इज पॉसिबल कि इतने सारे लोग, सुना था आज आंखों से देख रही हूँ तो यकीन ही नहीं हो रहा। एनीवेज ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर। और जो है वो अब पता चल रहा है, क्योंकि देखो लोग जो होते हैं ना आसपास का माहौल देखते हैं, और आजकल के लोग जो हैं वो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा देखते हैं, फिर रिसर्च करते हैं आज के दौर को। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो इन चीजों को समझते हैं और उसके बाद जो है वो काम करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें समझने को भी मिलते हैं। तो बाकी ओवरऑल अच्छा था, मजा आया वीडियो वॉच करके। और जो है वो देखा इतने सारे लोग सनातन धर्म में आ गए हैं, और जो है वो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भारत में रहने वालों के लिए। और क्योंकि वहां पर सारे ज्यादातर लोग सनातनी हैं, और वहां पर जब वो देखते हैं और सर्च करते हैं जानते हैं, और जैसे जैसे अब न्यूज आ रही है कि यहाँ पर तो पहले टेंपल थे, ये तो मस्जिद नहीं है, तो ये तो टेंपल की जगह थी, तो मतलब अब लोग जो है ना उसकी वजह से भी शायद लोगों के माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि यार शायद हम लोग मतलब जो फॉलो कर रहे हैं वो तो बाद में आई चीजें हैं, इससे पहले जो थी उसको लोग फॉलो मतलब क्यों नहीं कर जो कर रहे ना सनातन धर्म को। सो फाइनली बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। सऊदीया से न्यूज आ रही थी, और उसके अलावा और भी दुनिया के दूसरे दूसरे कंट्रीज से जो है वो न्यूज आ रही हैं। तो भाई बड़ी हैरानगी हुई है कि इतने सारे लोगों के बारे में सुना था, आज रियल में देख लिया। सो एनीवेज फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं।